सन 1954 में 92 यात्रियों के साथ एक फ्लाइट जर्मनी से ब्राजील की तरफ उड़ान भरती है। 18 घंटे का ये सफर था, लेकिन महीनों निकल गए, वो फ्लाइट कभी लैंड ही नहीं हुई। लोगों ने मान लिया था कि नीला आसमान उस फ्लाइट को निगल चुका है। फाइलें बंद, सेंटियागो की फ्लाइट्स पूरी तरह से बंद कर दी गई। लेकिन उसके बाद जो हुआ आप लोगों को सुनना चाहिए। ठीक 35 साल बाद सन 1989 में वही फ्लाइट ब्राजील के एक एयरपोर्ट पे लैंड करती है। वहां की अथॉरिटीज ने पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिला। उसके बाद वो लोग फ्लाइट पे चढ़े, लेकिन जो उन्होंने देखा वो हैरान कर देने वाला था। सिर्फ उन लोगों के कंकाल कुर्सी की पेटियों के साथ बंधे हुए थे। जब वो कॉकपिट की तरफ भागे तो पायलट के भी कंकाल ही बंधे हुए थे। अब सवाल ये है कि अगर पायलट के कंकाल ही बंधे हुए थे तो फ्लाइट लैंड कैसे हुआ? विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। जब वो अपनी पहली सोलो मूवी रिलीज रॉकी का इंतजार कर रहा था तो उसके 3 दिन पहले उसकी माँ का देहांत हो गया। वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। इस गम को भुलाने के लिए उसने ड्रग्स का सहारा लेना शुरू कर दिया, लेकिन ड्रग की लत ने उसे मार दिया। 2 साल तक ड्रग की लत को छुड़ाने के लिए वो US रहा, लेकिन उसके बाद जब उसने कमबैक किया तो खलनायक जैसी मूवी में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा दिया। लेकिन प्रॉब्लम्स यही खत्म नहीं हुई। 1993 के बम धमाकों में अवैध हथियार रखने के चक्कर में उसे जेल भेज दिया गया, लेकिन फिर से जब रिहा हुआ तो वास्तव जैसी मूवी में फिल्म फेयर अवार्ड जीते और उसके बाद मुन्ना भाई जैसी मूवी में राष्ट्रीय पुरस्कार तक जीते। लेकिन प्रॉब्लम्स यही खत्म नहीं हुई। 2013 में अदालत ने उसे फिर से दोषी पाया और 5 साल की कैद की सजा सुना दी। इतने उतार चढ़ाव देखने वाले हमारे संजू बाबा आज भी अपनी एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड में अपना एक अलग मुकाम बनाए हुए हैं। तो अपने संजू बाबा के लिए एक लाइक तो बनता है। वो 5,000 रुपए पर मंथ पर एक रेस्टोरेंट में गाना गाता था। एक दिन उसने अपने गाने का वीडियो फेसबुक पे अपलोड किया, जिसे एक बड़ी कंपनी ने देखा और उसे गाने का ऑफर दे दिया। उस बंदे ने 10 ही दिन में मेहनत करके 7 गाने रिकॉर्ड किए, लेकिन उस बड़ी कंपनी ने एक भी गाना सेलेक्ट नहीं किया। उस बंदे का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर उसके बाद उसने अपने मोबाइल से फनी वीडियोज को फेसबुक पे अपलोड करना शुरू किया। वही सेम वीडियोज उसने यूट्यूब पे भी डालना शुरू किया। पहले कोई खासा रिस्पॉन्स नहीं था, लेकिन उस बंदे ने सेम सेटअप के साथ 100 के करीब वीडियोस बना डाली और उसी में से एक वीडियो पाकिस्तान में सुपर वायरल हो गई और उसके बाद उस बंदे ने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। और आज वो बंदा इंडिया में सबसे ज्यादा फॉलोवर्स के साथ नंबर 1 यूट्यूबर है। सर्जन कहां से लाऊं? अरे हमसे बड़ा सज्जन कोई पैदा नहीं हुआ। अरे सर्जन सर्जन गाइस, अपनी मेहनत के दम पे एक साधारण सा बंदा कहां से कहां तक पहुंच सकता है, ये आप भुवन बाम से सीख सकते हैं। तो उस बंदे के लिए एक हार्ट तो बनता है।